चलिए इसी पे फोकस करते हैं, क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है अकेला प्लेयर। अरे 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 भाई क्या है ये भाई, टक्कर टक्कर क्लिक विद माउस, ओके क्लिक, नो 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 ब्रो, अरे भाई हां हां निकालो नॉट सीट, ए पागल है क्यों, अरे देखो अरे जंप करके भी दिखा सकते, ये जंप करके भी दिखा, जंप करके पहुंच जाता ऊपर, बट ये नॉर्मल स्टैंड होके नहीं दिखा सकता स्टार्ट पे। अरे तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट स्टोरेज के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग से वीडियो में। और आज के इस वीडियो में आपको हमारे नॉनस्टॉप गेमिंग के लाइव पे पकड़े गए 5 सबसे डेंजरस यानी खतरनाक हैकर्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिन्होंने ऑनलाइन एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट यानी एक ऑफिशियल कस्टम में हैक यूज किया। और इस लिस्ट में हमारे इंडिया का एक काफी पॉपुलर यूट्यूबर एंड ऑल्सो एक बहुत ही पॉपुलर वीवेज यूट्यूबर का टीममेट यहाँ पे हैक यूज करते हुए पकड़ा गया है। सो वीडियो बहुत ही क्रेजी और इंटरेस्टिंग होने वाले, सो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं नंबर 5 वाले हैकर की तरफ। तो गाइस नंबर 5 पर जो हैकर आता है उसका नाम है इलेक्ट्रॉन, और जो लोग नॉनस्टॉप भाई की लाइव यहाँ पे रेगुलर देखते हैं वो इसे जानते होंगे। ये रशिया की नोवा नाम की स्क्वाड की तरफ से खेलता है, और स्पेशली ये फुल मैप नहीं बल्कि एक कस्टम प्लेयर है। और भाई इस बंदे की जो एक्यूरेसी है वो कुछ ज्यादा ही एबनॉर्मल है। सर्वर चेंज करके इंडियन सर्वर में थोड़े हाई पिंग पे खेलना और हर एक गोली रेड मारना, इसमें थोड़ा तो थोड़ा डाउट होता है। और अभी रिसेंटली इस बंदे ने इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक NXT की स्क्वाड के चारों बंदों को सिर्फ 4 गोलियों में मार दिया था। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि NXT स्क्वाड को कोई मार नहीं सकता, बट भाई एक बेस्ट स्क्वाड को जो कि कंट्री वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक है, उसके चारों बंदों को सिर्फ 4 गोली में भाई विदाउट रिकॉइल मारना, ये भाई बहुत एबनॉर्मल है। बट इस एबनॉर्मल शॉट के बाद एक और बहुत एबनॉर्मल चीज हुई थी यहाँ पे, जिससे ये साबित होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पक्का हैकर है। लेकिन पहले आप वो क्लिप देख लो जिसमें इसने 4 गोली में पूरी की पूरी NXT स्क्वाड को फ्रीज कर दिया था। चलिए इसी पे फोकस करते, क्या क्या नई चीजें देखने को मिलती है अकेला प्लेयर। ओके अरे 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 भाई क्या है ये भाई, कैसे अबे बॉस कितना गंदा कैंप किया इसने, रुक जाओ ऐसे गाइस मार दे, देगा रिवाइव कर दे मेरे पे, अबे ओए ब्रो दिस इज सस्पिशियस लगा दी भाई, घंटा सस्पिशियस है ये। तो गाइस इस एबनॉर्मल क्लच के बाद यहाँ पे क्लासिफाई ने यहाँ पे खुद बोला था कि भाई इस बंदे में कुछ ना कुछ यहाँ पे एबनॉर्मल ये खेल रहा है, ये गलत खेल रहा है। और उसके बाद क्लासिफाई ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिपोर्ट भी किया था, और रिपोर्ट करने के थोड़े देर बाद ही इस बंदे की जो आईडी है वो सस्पेक्ट में चली गई, मतलब गेम का जो सिस्टम है उसने इसकी आईडी को यहाँ पे सस्पेक्टेड पकड़ा। और किसी की भी जो आईडी है वो तभी सस्पेक्ट में जाती है जब वो बंदा कुछ अनफेयर खेल रहा होता है। तो इससे और भी कंफर्म हो गया कि ये जो बंदा है ये कुछ ना कुछ झोल जरूर कर रहा है। बाकी इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 4, तो गाइस नंबर 4 पे जो सबसे डेंजरस हैकर आता है उस हैकर का नाम है Blue M10। और बिना किसी डाउट के मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये Blue M10 ही पागल M10 है। और अभी रिसेंटली जैसा कि आपको पता होगा यहाँ पे नॉनस्टॉप भाई ने एक फुल मैप टूर्नामेंट करवाया था जिसमें भाई इंटरनेशनल स्क्वाड्स भी खेल रही थी, और इसी टूर्नामेंट में सनीचर गेमिंग की स्क्वाड से ये Blue M10 पागल M10 खेल रहा था। और इस टूर्नामेंट में ये बंदा ऑन लाइव हैक यूज कर रहा था, पूरे टूर्नामेंट में ये बंदा काफी सस्पिशियस खेल रहा था बट किसी ने उतना ज्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन एक बार जब इसने क्लासी भाई की स्क्वाड को क्लच किया तो भाई वो मतलब बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस तरीके से क्लच किया। हाँ वो यही थी ब्रो, और अब तक यही है ये रिफाइनरी से मार रहे थे, तुम कैसे देख रहे हो? हाँ हाँ ही नहीं थे एमदेव सनीचर को, ये स्पोर्ट थी ब्रो। ओ क्या भाई आज भी, अरे 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 भाई ब्लू ने कैसे मारा, दैट्स नॉट ब्लू दैट्स रेड, लेट्स सी। अरे 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 आई वांट टू सी हिज गेम प्ले ब्रो, नाउ डाउन ट्रैक क्यों रहा है ये? हाँ सच में नीचे है, नीचे कर रहा है ना ये, नीचे खींच रहा है। हाँ हाँ हाँ, जिसके बाद यहाँ पे क्लासी भाई के स्क्वाड मेट हरिसूदन ने इस बंदे को रिपोर्ट कर दिया, और इसके थोड़े देर बाद ही इसकी आईडी बिना किसी सस्पेक्ट में जाए डायरेक्टली बैन हो गई, यानी जिसे पूरा कंफर्म होता है कि ये बंदा भाई डायरेक्टली यहाँ पे हैक यूज कर रहा था कि इंटरनेशनल टूर्नामेंट में, जो कि एक काफी शेमलेस चीज है, काफी शेमलेस मोमेंट है कि एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाई एक इंडियन बंदा और वो भी काफी बड़ा यूट्यूबर यहाँ पे हैक यूज कर रहा था। नंबर 3, तो गाइस नंबर 3 पे जो सबसे डेंजरस हैकर आता है उस हैकर का नाम है X Rina MVP, जो कि थाईलैंड सर्वर का एक प्लेयर था और उनकी स्क्वाड से खेल रहा था। और ये बंदा एक
न्यू प्लेयर था, मतलब ये न्यू पीसी पे खेल रहा था, अच्छे से वो उतना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था पीसी पे, बट फिर भी ये बंदा ओनली रेड नंबर ही मार रहा था। और इसीलिए शक होने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन नॉनस्टॉप भाई ने इस बंदे का 1v4 टेस्ट लिया, और उस टेस्ट में भी इस बंदे की मूवमेंट ग्लू स्पीड कुछ ज्यादा खास नहीं थी, बट फिर भी ये बंदा ओनली हेडशॉट से ही बात कर रहा था। तो इसके बाद इसका स्क्रीन शेयर करवाया गया डिस्कॉर्ड पे, और जब इसका पीसी चेक किया गया तो कुछ ऐसा देखा जिसे देखने के बाद भाई मतलब काफी लोग हंसने भी लगे और काफी लोगों को गुस्सा भी आ गया। सुन ही नहीं रहा है भाई, मतलब इसके पास पैनल ही है शायद, मेरे को लग रहा है बैट की कर रहा है। हेलो हां, ये बैट की ऑन कर रहा है। क्विक क्लिक विद माउस, ओके क्लिक, नो 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 ब्रो, अरे भाई हां आ गया, अबे साले ऊपर आ गया, अरे यार ये बैठ गया ना भाई, इसने बैठ के फिर भी तो ऊपर ही आ रहा है। ओके ब्रो, नाउ डू नॉट क्राउच, ओके डू नॉट सिट, डू नॉट सिट, यस ब्रो, क्लिक 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 आलोक, डू नॉट सिट, अरे पागल है क्यों दिया कहीं, अरे अब इसको गाली देने का मन कर रहा है भाई, इस बार जिस बार सच में इसको ना इस बार गाली देने का मन कर रहा है, हर बार बैठ जा रहा है, बैठ क्या लोग चालू कर रहा है। ओके ब्रो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो यू डू, दिखा देगा यारे, जंप करके भी दिखा दे, ये जंप करके भी दिखा, जंप करके पहुंच जाता ऊपर, बट ये नॉर्मल स्टैंड होके नहीं दिखा सकता स्टार्ट करके। अरे यार ये आलोक का पहले नहीं होता था, अरे 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 नॉनस्टॉप ब्रो, जिंदा पैनल देखो, ये देखो जिंदा पैनल है यार, ये जिंदा पैनल यूज कर रहा है भाई ये। तो जैसा कि आपने देखा कि ये बंदा भाई एकदम ऑन लाइव पैनल यूज कर रहा था, और जैसा कि आपको पता है कि डीजे आलोक कैरेक्टर से यहाँ पे जो पैनल है वो डिटेक्ट हो जाता है, अगर आप खड़े होकर यहाँ पे डीजे आलोक की स्किल को यूज करोगे, और अगर वो स्किल आपकी कमर की जगह आपके सर पे, यानी जो आलोक का स्किल है वो सर पे अगर यहाँ पे सर्कल होने लगा, तो इसका मतलब जो प्लेयर है वो पैनल यूज कर रहा है। और ठीक सेम चीज ये बंदा कर रहा था, और जब इस बंदे को यहाँ पे आलोक की एबिलिटी यूज करने के लिए बोली गई, तो भाई ये बंदा बैठ के यूज कर रहा था, ना कि खड़ा होकर, क्योंकि इसको पता था कि बैठ के यहाँ पे कोई ज्यादा असर नहीं पड़े, लेकिन वो खड़ा होगा तो उसके सर पे यहाँ पे जो आलोक की एबिलिटी वो दिखने लगी, यानी सबको चल रहा है कि ये बंदा जो है वो पैनल यूज कर रहा है। तो काफी ज्यादा ड्रामा होने के बाद इस बंदे को पकड़ लिया गया कि ये बंदा ऑन लाइव यहाँ पे पैनल यूज कर रहा था। नंबर टू, तो गाइस नंबर टू पे जो सबसे डेंजरस हैकर आता है, उस हैकर का नाम है इजी रई। अभी रिसेंटली जब इंडिया वर्सेस मीना का मैच चल रहा था नॉनस्टॉप भाई के लाइव पे, जिसमें इंडिया की तरफ से खेल रही थी हमारे GW करण भाई की स्क्वाड, और मीना की तरफ से खेल रहा था एक बहुत ही पॉपुलर वीबैज यूट्यूबर हकई टीवी की स्क्वाड, और इसी मीना के स्क्वाड में एक बंदा खेल रहा था इजी रई नाम का, जो कि कवर में ग्लूवाल के आर्क बार यहाँ पे स्नाइपर से मार रहा था। तो पहले आप वो क्लिप देख लो जिसमें इस बंदे ने भाई पूरा का पूरा एबनॉर्मल मारा था। और नॉनस्टॉप भाई वो दिखा दो फैंस वाला, मुझे पूरा क्लियर है, दिस इज द वन क्लिप एंड देयर इज वन मोर क्लिप, दिस इज द शॉट, और तो जैसा कि आपने देखा कि एक वी बैच यूट्यूबर का टीममेट यहाँ पे हैक यूज कर रहा था, और ये चीज यहाँ पे ऑन लाइव यहाँ पे कंफर्म होगी कि ये बंदा हैक यूज कर रहा था। यहाँ पे GW करण भाई की स्क्वाड ने यहाँ पे कुछ क्लिप्स दिखाए जिसमें उस बंदे ने यहाँ पे एबनॉर्मल मारा था, जिसके बाद यहाँ पे खुद कंफर्म कर लिया नॉनस्टॉप भाई ने कि वो बंदा हैक यूज कर रहा है। बट इसके बाद एक और बहुत ही खतरनाक चीज हुई कि GW करण की स्क्वाड ने इस बंदे को रिपोर्ट मारा था, और रिपोर्ट मारने के थोड़ी देर बाद ही इस बंदे की जो आईडी है वो परमानेंटली बैन हो गई, जिससे ये और भी कंफर्म होता है कि ये बंदा भाई प्योर हैक यूज कर रहा था। नंबर वन, तो गाइस नंबर वन पर जो सबसे डेंजरस हैकर आता है, उस हैकर का नाम है इजी जैक, और कोइंसिडेंटली ये बंदा भी यहाँ पे मीना का है और वीबैज यूट्यूबर हकी टीवी का स्क्वाड मेट है। और अभी रिसेंटली अभी जो NG का यहाँ पे फुल मैप टूर्नामेंट हो रहा था, तो इस बंदे ने यहाँ पे इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड्स में से एक NXT को भाई एक झटके में क्लच कर दिया। तो पहले आप लोग क्लिप देख लो, उसके बाद मैं आपको और झटका और एक्सप्लेन करता हूँ। मरियो मत रेटलर, बता रहा हूँ ब्रो तुमको, 74 ये कडाबरा है यार, फिर से 95 ठीक है, 150 पड़ जाता है, मैं बच जाऊंगा ब्रो, इजी पीजी, मैक्सो आना पड़ेगा इधर, मैक्सो ब्रो जल्दी जल्दी जल्दी, अरे भाई अरे, अरे यार अबे हरपर मार दिया, ये क्या था, थोड़ा सा भी दिखता है तो मार देता है, थोड़ा सा भी नहीं हरपर मार दिया मुझे तो, बड़ा एक आर्मर? अब इसको भी आर्मर मारा सोरे को। रुको देखता हूँ तुम क्या कहना चाहते हो, रुको। इंस्टेंट रिप्ले करो क्लासी भाई उसका। अच्छा तुम्हें वो तो हो गया ब्रो। फर्स्ट टाइम या फिर सेकंड टाइम की बात कर रहे हो? फर्स्ट टाइम जो क्लियर हो रहा था। अबे ये देखो। अबे भाई ये बॉडी के लिए।
अरे ये ओम के लिए लगाया हुआ है। तो जैसा कि आपने देखा कि हैकर सबसे पहले यहाँ पे क्लासी भाई को डाउन करता है, जो कि रिवाइव होने वाले ही रहते हैं कि तब तक भाई वो बंदा यहाँ पे आर पार क्लासी भाई को फिनिश कर देता है। और ऐसे ही वॉल के आर पार मार के ये बंदा यहाँ पे एनएक्टी के पूरी स्क्वाड को फिनिश कर देता है। तब भाई ये बंदा यहाँ पे ग्रोजा से यहाँ पे आर पार ग्लू के आर पार यहाँ पे दीवार के आर पार हर जगह यहाँ पे आर पार मार रहा होता है, जिससे ये यहाँ पे पूरा कन्फर्म हो जाता है कि ये बंदा यहाँ पे वॉल का यहाँ पे आर पार वाला हैक यूज कर रहा था। मतलब ये बंदा भी ऑनलाइन यहाँ पे हैक यूज करता हुआ पकड़ा गया। तो चलिए गाइस यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इन पांचों हैकर्स वाली क्लिप्स में एक चीज यहाँ पे कोइंसिडेंसली तीन बार हुई, तो वो चीज क्या है कमेंट में जरूर बताना। जिस बंदे का सही जवाब होगा उसका कमेंट में यहाँ पे पिन कर दूंगा। तो बताओ क्या है कोइंसिडेंस। तो वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट में जरूर बता देना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन पर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।